Welcome to the biggest township project, DZT. Corporate and commercial spaces available at DZ City that sits right in the heart of Pune. With connectivity from every corner, DZ City is under construction with tremendous speed. You get luxurious amenities like swimming pool, gym, clubhouse, jogging track, banquet hall, kids play area and all that with fresh air environment. 24-hour security system with power backup generator for every time. From stadiums to hospitals, schools and market within few minutes of distance. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, काम रुका नहीं है ना ही रुकेगा। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर डीजेड सिटी में। कॉल नाउ। देखिए कैसी रही एमएमबीली में आयोजित महाविकास आघाड़ी की सभा। किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, क्या बोले महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, सुनिए। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तय घोषणा के मुताबिक कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए मुमरा कौसा के एमएमबीली परिसर में 17 मई शुक्रवार शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस की शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार वैशाली दरेकर राणे के प्रचार के लिए सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पहुंचने वाले थे एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार, मगर भिवंडी की सभा के बाद बीकेसी जाने के लिए ट्रैफिक में फंसने की वजह से वो मुमरा जो है आ नहीं पाए, एमएमबीली की सभा जो है संबोधित नहीं कर पाए। उनकी जगह इस सभा को संबोधित करने पहुंचे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, अनिल देशमुख। किस तरह से इस सभा का आयोजन किया गया था, लोगों की कितनी उपस्थिति थी वो दिखाते हुए इस सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पीएम मोदी पर कैसे वो हिंदू मुस्लिम कर रहे और उससे मुकर भी रहे, उससे इनकार भी कर रहे, उन्होंने कैसा निशाना साधा और महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर भी उन्होंने मोदी सरकार को घेरा। देखिए कैसी थी एमएमबीली की ये सभा जयंत पाटिल के इस भाषण के साथ। और जो गए उनकी हालत क्या है आप सबको मालूम है। आवार साहब ऐसे नेक नेता निकले जिन्होंने पवार साहब को साथ देना तय किया और उसी हिसाब से आज तक वो काम करते आ रहे। बहुत चंद नेता ऐसे मिलते हैं जो ऑनेस्ट होते हैं, ऑनेस्टी के साथ अपने नेता के साथ रहते हैं। मैं मालूम है मुझे कि आवार साहब किस हालत से कई साल गुजरते आए हैं, इधर से बहुत हालात उन्होंने देखे हैं। जो अभी भाषण ने उन्होंने बताया ये मुमरा की परिस्थिति 20-25 साल क्या थी पहले और आज क्या है, बहुत कम शब्दों में उन्होंने सबको बताया। मुमरा की जनता तरक्की की ओर जा रही है लेकिन साथ साथ हमें देश का भी सोचना है। आज इस देश में जो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं उन्होंने पिछले 10-15 दिन से विकास के बारे में बोलना बंद किया है और वो उतर आए हैं हिंदू मुस्लिम हिसाब के ऊपर, हिंदू मुस्लिम भाषा के ऊपर। बार बार देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमें पहले इतने हम कभी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं देखे थे कि जो इतने नीचे स्तर पे आके भाषण करते थे। पवार साहब के बारे में कुछ बोले, 4 दिन के बाद पवार साहब हमारे पास आइए ऐसा आह्वान भी उन्होंने किया। उद्धव ठाकरे साहब के बारे में बोले, फिर बोले कि उद्धव ठाकरे जी को अगर तकलीफ हुई तो मैं ही पहले उनको मदद करने को जाने वाला हूं तो उनकी सरकार क्यों गिराई। और इसीलिए आपको सब चीजें मालूम है, मैं सिर्फ आपको पार्टी का अध्यक्ष के नाते यही विनती करने को आया हूं कि उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में
दो ढाई साल हमारी सरकार इतनी अच्छी चली कि आज भी लोग उस सरकार को भूले नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि तीन साढ़े तीन महीने के बाद जो विधानसभा की इलेक्शन आए, तब वो इलेक्शन उस चुनाव में फिर एक बार शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के गठबंधन की सरकार सत्ता में आने वाली है। फिर एक बार आवाड़ साहब मंत्रिमंडल में काम करने वाले हैं, वो तो तय है। लेकिन उद्धव जी के साथ जहां जहां उद्धव ठाकरे साहब जाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे लोग उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। पवार साहब जाते हैं, बहुत बड़ी पैमाने पे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले साल डेढ़ साल में दो पार्टी तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। दो पार्टी तोड़ने के बाद भी उनको समझ में आया कि अपनी मेजॉरिटी महाराष्ट्र में आने वाली नहीं, इसलिए उन्होंने इंजन वाली पार्टी को भी साथ में लिया। आज पूरे देश में देश के लोगों ने यह तय किया है कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने की कोई अभी आवश्यकता नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, बेकारी की समस्या बढ़ी है। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा, आप अगर टू व्हीलर खरीदने को जाएंगे तो उसके ऊपर 28% जीएसटी है, 11% रोड टैक्स है, 2-2.5% आपको सेस लगता है। आप अगर बुलेट मोटरसाइकिल लेंगे तो 2 लाख की बुलेट आती है, 56,000 रुपया जीएसटी में जाता है। उसमें भी 350 cc के से जरा बड़ी बुलेट लेने को गए तो 28% का टैक्स 31% होता है। लेकिन आप अगर हेलीकॉप्टर लेने को जाएंगे तो हेलीकॉप्टर का जीएसटी 5% है, 5%। यानी गरीब अगर कुछ खरीदने को जाए तो उसके खिसे से मैक्सिमम पैसा निकालने की ये जीएसटी की व्यवस्था हमें बदलनी होगी। आप कुछ भी लेने को जाओ, 50,000 1 लाख में आप घर चलाते हो तो 1 लाख रुपया जब आप खर्च करते हो तो उसमें से 18% जीएसटी में जाता है। आप सालाना 18,000 महीने का मल्टीप्लाई बाय 12 महीने इतना पैसा सरकार को देते हो, और इसीलिए आप थोड़ा सा सोच के इस बार देश में महंगाई किसके कारण आई है इसका विचार करो। मोदी साहब कहते थे कहीं पिछले कई महीने के पहले ईद में हमारे घर में मुस्लिम घरों से खाना आता था, और वो कहते थे कि मुहर्रम में पंजा के नीचे से, ताबूत के नीचे से हम चलते थे। लेकिन पिछले महीने में जब उनको समझ में आया देश में अपनी मेजॉरिटी नहीं आती, तब वो हिंदू मुस्लिम लेवल पे आके पहुंच गए। मैं उन्होंने ऐसा भी किया था कि मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा तब मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी हारने के दरवाजे पे खड़ी होती है तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग अलग चीजों का हेल्प लेते हैं। कल परसों नासिक में गए थे मोदी साहब, एक नौजवान ने कांधे के ऊपर उन्होंने सवाल पूछा खड़े रह के सभी में, भरी सभा में, तो वो ऑनियन के बारे में उसने किसान ने सवाल पूछा तो प्रधानमंत्री ने उसको पूछना चाहिए था तेरी क्या तकलीफ क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जय श्री राम का नारा लगाया। जहां सवाल के लिए जवाब नहीं है इनके पास, तब वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां भगवान के सिवा उनको कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं
महाराष्ट्र के 48 सीटों से कम 15 सीटों तक मैं प्रचार के लिए जाके आया हूं। मैं यकीन से आज कह सकता हूं कि 20 तारीख को आखिरी राउंड और 2 तारीख को मुंबई के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के, मेरे ख्याल से देश के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग है। 4 जून को जब आप वोट काउंट करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि इस देश में जो 400 के पार जाने की इच्छा जताते हैं वो 200 तक भी पहुंचेंगे नहीं, ये मेरा पूरा यकीन है। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के बाद इंडिया गठबंधन आपको क्या करने वाली है, ये भी आप सोचना चाहिए। मैं जिस जीएसटी का आपको उल्लेख किया अभी, वो जीएसटी की पूरी व्यवस्था हम दुरुस्त करेंगे, हमारा वादा है, इंडिया गठबंधन का वादा है। हमारे वक्त वैल्यू एडेड टैक्स था, चप्पल कपड़े सारी इसके ऊपर हमने टैक्स नहीं लगाया था, लेकिन अभी आप कुछ भी खरीदो सब चीजों के ऊपर आपको जीएसटी लगता है। मैं वादे से कहता हूं कि हम जब सत्ता में आएंगे तब ये जीएसटी की व्यवस्था ऐसी बदल पाएंगे कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं वो जीएसटी कम से कम भरे और जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा जीएसटी भरे। अभी आपको मैं पूरे दावे से कहता हूं कि कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के मैनिफेस्टो में हमने लिख के रखा है, कमिटमेंट दिया है कि इस देश में गरीब से गरीब जो घर है उसकी जो महिला है उस बहन को कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि कल मेरे घर में क्या होगा, मैं खाना कैसे पकाऊं। इसलिए हमने कमिटमेंट दिया है कि 1 लाख रुपया सालाना गरीब से गरीब घर वाले जो है उनके घर में 1 लाख रुपया हम देंगे, सरकार देगी। आपकी जो गैस के सिलेंडर के भाव अभी 1100-1200 रुपए गए, हमने तय किया है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 500 रुपए के ऊपर सिलेंडर के दाम जाने को नहीं देंगे। हमने ये तय किया है कि जहां अवार्ड साहब ने जो जिक्र किया, अपने लोग बहुत सारे बीए होते हैं, बीकॉम होते हैं, डिग्री लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, ये डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद 1 साल के लिए ये बच्चों के लिए 8,500 रुपया महीना, साल का 1 लाख रुपया हम उनको सरकार की तरफ से देंगे, स्टाइपेंड के जरिए उनको देंगे। मैं ये इसलिए कहता हूं कि बहुत कुछ हमने हमारे मैनिफेस्टो में देखा है, लिखा है। मेरी आपको विनती है कांग्रेस या राष्ट्रवादी के मैनिफेस्टो को विजिट करिए आप, वेबसाइट पे जाके आपको समझ में आएगा। हमने यही देश ये भी देश में कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तब जात निहाय जनगणना, कौन कौन से जाति का कितना है इस राज्य में, हर राज्य में, उसके लिए हम जनगणना करेंगे और उस हिसाब से आरक्षण देने की व्यवस्था भारत में करेंगे। ये सारे चीजें हम बताते हुए उसके पहले मैं ये और आखिरी बात कहूंगा, मालूम है मेरे पास घड़ी गई है मेरी, लेकिन इधर मेरे पास इतना है देख सकता हूं। लेकिन हम आज इसमें एक बार कहता हूं कि संविधान बदलने की भाषा करने वाले लोग न जाने क्या कर सकते हैं, आरक्षण निकाल दे सकते हैं, आपको वोटिंग का जो राइट आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिया है वो निकाल सकते हैं, बहुत कुछ चीजें हो सकती है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो आरक्षण की नीति है, जो संविधान में अलग अलग चीजें रखी है जिसमें जिसमें हमें सबको स्वतंत्रता मिली है, यहाँ खड़ा रह के आवाड़ साहब का भाषण अगर इनको कमल को चुन के देंगे या हमारे सामने वाले जो मित्र पक्ष भाजपा के हैं उनको, तो ये सब एकत्रित इकट्ठा आके भारत का संविधान बदलेंगे तो शायद यहाँ पब्लिक मीटिंग लेने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अर्ज करना लिखना पड़ेगा।